इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकरी चांद का सलाम, और आप देख रहे हैं भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज मंथली, क्वार्टरली और एनुअल रिज़ल्ट अपना देखना चाहती हैं बुलंद नंबर्स के हिसाब से, यानी टॉप रेटिंग में। और अक्सर दुनिया भर में जो लिया जाता है वो टॉप फाइव को गिना जाता है कि इस महीने टॉप फाइव कौन सी ब्रांड रही मोबाइल फ़ोन में, इस क्वार्टर में कौन सी टॉप ब्रांड रही, इसी तरह इस साल कौन सी टॉप ब्रांड नंबर फाइव तक आई। तो ये सिलसिला चलता रहता है। दुनिया की मारो ब्रांड्स इसके लिए, जिसमें सैमसंग है, एप्पल है, शोमी है, इनके अक्सर मुकाबले 1, 2, 3 में चलते रहे हैं, क्वार्टरली भी और एनुअल भी। तो इस साल जो लास्ट क्वार्टर गुजरा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, उसमें कौन सी ब्रांड टॉप फाइव में अपनी जगह बना चली, वो मैं आपके पेशे खिदमत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि चाइना की मारो ब्रांड वीवो जो है, उसने टॉप फाइव में अपनी जगह बनाई आखिरी क्वार्टर में, और अच्छी सेल की दुनिया भर में। फरोख के लिहाज से टॉप फाइव में जगह बनाने के बाद 5वीं पोजीशन हासिल की। उसका औसत जो रिज़ल्ट रहा वो 8% रहा। तो वीवो ने 5वीं पोजीशन हासिल की और 8 जो परसेंटेज है 100 में से, उसमें से 8% उसका रिज़ल्ट रहा। इसी तरह चाइना ही की दूसरी ब्रांड जो है बड़ी दुनिया भर में, जो वीवो से पहले काम करती रही है, उसका नाम है ओप्पो। ओप्पो पाकिस्तान में भी अपना एक बड़ा मकाम रखती है। वीवो और ओप्पो दोनों ने पाकिस्तान में असम्बलिंग प्लांट भी लगाए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन उन्हें औसतन मुकाबलतन दूसरों से थोड़ा सस्ता मिल रहा है असम्बलिंग होने के बाइस। तो ये चौथी पोजीशन इसने ओप्पो ने हासिल की। इसका जो रिज़ल्ट रहा औसतन वो 9% रहा, यानि वीवो और ओप्पो में 1% का फ़र्क रहा। तो चौथी पोजीशन ओप्पो ने हासिल की। इसी तरह जो तीसरी पोजीशन जो हासिल की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टॉप थ्री के लिए 3 ब्रांड के मुकाबले अरसा दराज से चल रहा है, कभी कोई नीचे कभी कोई ऊपर, इसी तरह तीसरी पोजीशन जो हासिल की वो भी ही चाइना की ब्रांड है, और उसका नाम है, दुनिया की मारूफ ब्रांड है शोमी, जो पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरह अपना मुकाबलतन तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है, और मोबाइल सार्फीन जो पाकिस्तानी हैं उसको शोमी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और दर्जे भी उनके औसत और मीडियम और हाई सतह के मोबाइल फ़ोन उन्हें पसंद आ रहे हैं, और सेल के लिहाज से भी अच्छा है। इसके बावजूद कि उनकी मार्केट में जो आमद है वो मुकाबलतन, जो तलब है उसके मुकाबलतन कम है, लेकिन उसमें इजाफा रोज़ बरोज़ हो रहा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है और रसद कम आ रही है। उम्मीद ये की जा रही है पाकिस्तान में असम्बलिंग प्लांट शोमी जो लगा रहा है उसकी फरवरी से स्टॉक आना शुरू हो जाएगा, जिसमें कुछ जो तलब है उसकी पूरी होने का इम्कान है। उससे बड़ी लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शोमी जो है पाकिस्तान में जो असम्बल्ड होंगे उसमें रेट का भी उनको फ़र्क मिलेगा, और इससे उनको मोबाइल सार्फिन जो शोमी के चाहने वाले हैं उनको डिमांड के हिसाब से मोबाइल फ़ोन भी दस्तियाब होंगे। इसी तरह इसका मैं बताता चलूँ, इसका रिज़ल्ट जो है वो मतलब औसतन जो रहा जिसका, ये 12% रहा, यानी इसका मतलब है चौथी और पांचवी पोजीशन में 3 पॉइंट का फ़र्क रहा। जो चौथी पोजीशन पे ओप्पो आया वो 9 रहा, और इसी तरह ये 12% इसकी जो है ना औसत सेल का रहा जो देखा जाए।
इसके बाद जो टॉप टू ब्रांड दुनिया की रह गई हैं सैमसंग और एप्पल, अब इनमें से सेकंड पोजीशन जिसने हासिल की इस क्वार्टर में वो हमेशा से फर्स्ट पोजीशन पे रहता था वो सैमसंग है। अब अरसा तकरीबन साल के बाद एप्पल ने इस क्वार्टर में जो लास्ट क्वार्टर 2021 का निकला अक्टूबर से दिसंबर तक, इन्होंने सैमसंग की पोजीशन सेकंड कर दी और सैमसंग पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से अपने असेंबलिंग प्लांट से स्टॉक दे रहा है। 10 मुख्तलिफ मॉडल्स भी आ रहे हैं, हमारे बहुत सारे मसले मसाइल वो हल भी कर रहे हैं, बहुत सारे मसले हल तलब हैं। ये तो बात रही, लेकिन उनका औसत रहा 20%। तो 20% यानी तीसरी पोजीशन और दूसरी पोजीशन के अंदर 8 पॉइंट का फ़र्क आया, यानी शॉमी 12% और सैमसंग जो है वो 20% रहा इसका जो सेल का परसेंटेज है। तो ये सेकंड पोजीशन पे आया सैमसंग और फर्स्ट पोजीशन पे दुनिया की मारू ब्रांड एप्पल आई, जिसने पहली पोजीशन हासिल की और ये एक साल के दौरान बड़े वक्फे के बाद इनको ये क्वार्टर मिल सका है। और इसकी वजह मेन जो है वो एप्पल 13 जो जिसको हम कहते हैं उस सीरीज़ ने रिकॉर्ड सेल की, चाइना समेत दुनिया के कई ममालिक में उसकी तलब जो है वो इंतहा की थी और रसद कम थी। इसके बावजूद दुनिया में चिप जो है वो शॉर्ट होने के बाइस बहुत सारे डिमांड्स के हिसाब से एप्पल अपनी प्रोडक्शन दे नहीं सका, लेकिन उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की और एप्पल का रिजल्ट एप्पल 13 के मरहून मन्नत ही रहा। पिछले साल भी एप्पल 12 की वजह से उसका रिजल्ट ऊपर की तरफ गया था और एप्पल 13 की जो सीरीज़ है उसने 2021 के आखिरी क्वार्टर में भी, क्योंकि सितंबर में रिलीज़ किया गया इसकी वजह से रिकॉर्ड सेल ने उसको इस मकाम तक पहुंचाया, उसका रिजल्ट 22% रहा औसत। तो सैमसंग को 2 पॉइंट से इन्होंने बीट किया इस क्वार्टर में। ये टोटल अगर देखा जाए 100 पॉइंट्स जो होते हैं 100% जो सेल है उसके मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन में, इसमें इन 5 कंपनियों ने 71% नंबर्स हासिल किए, 71% इनका शरा रही 5 ब्रांड्स की और बाकी दुनिया की तमाम मोबाइल फ़ोन जो है उसकी 29% रही। तो इन 5 ब्रांड में बड़ी मेहनत की, ख़ासतौर पे एप्पल शॉमी और सैमसंग की तो जंग जारी है और ये उम्मीद है कि अब देखना ये है कि साल के टॉप ब्रांड कौन सी है, उसका ऐलान जस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये नाचीज आपको उसके मुतालिक भी आगाही देगा कि क्या कौन किस पोजीशन पे आया और कैसे आया। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि आपकी आवाज़ हम तक और जिनको पहुँचाना चाहते हैं उन तक पहुँच सके। दुनिया के मारू ब्रांड एप्पल जो पाकिस्तान में भी अभी नई पॉलिसी सेल्स टैक्स की जो लगी है, टैक्स का निफाज हो गया है, लेकिन एप्पल के साथ एक अजीब ये मामला हुआ था कि जो पासपोर्ट पर एक्टिवेशन ले रहे थे यानी जो ले के आ रहे थे अपने पीटीए अप्रूव कराने के लिए, जो पेमेंट उनसे टैक्स की मद में वसूल की जा रही थी बनिस्बत जो पोर्ट पे एफबीआर की तरफ से ली जा रही थी इसमें कम ली जा रही थी। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक डिस्ट्रीब्यूटर इदारे जो एप्पल के हैं उनकी कंप्लेन पर कार्रवाई की गई और अब एप्पल के जो मॉडल्स हैं उन पर टैक्स की शराब पासपोर्ट में या जो आप किसी भी ज़राए से लेके आते हैं दस्ती या किसी भी ज़राए से जो आता है पाकिस्तान में उसकी ड्यूटी उसके बराबर कर दी गई है जो आप इंपोर्ट में लेके आएंगे। इसका मकसद ये हुआ कि अब कोई किसी को किसी किस्म की रिलीफ नहीं दी जाएगी। इतला ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि यह निफाज 16 तारीख से हुआ था लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 19 तारीख तक जो है ये इसकी
19-20 तारीख तक जो है वो पीटीए जो है वो पुराने रेट पे एप्पल का होता रहा है, जिस पर अब एफबीआर की इत्तला ये है कि वो जो पुरानी पेमेंटें ली गई हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, उनको मैसेज किया जाएगा और उनसे बकाया पेमेंट जो है वो भी वसूल की जाएगी। तो जो खेपिए लेके आए हैं या हमारे दोस्त जिन्होंने पहले से पीस मंगवा के रखे हुए थे उन पर ड्यूटी बढ़ गई है पीटीए अप्रूव ना होने के बाईस, अब जो ड्यूटी ली जाएगी वो नए रेट से ली जाएगी और बड़ा बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है रेट में एप्पल के बनिस्बत दूसरों के मुकाबलतन अगर देखा जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इजाफा है। और ये एक अच्छी अलामत ये है कि महंगे सेटों पर ड्यूटी बढ़ी है और पीटीए अप्रूव कराने में जो है वो पेमेंट वसूल की जाएगी नई शरह से। तो जितने माल जो थोक के हिसाब से लोगों ने मंगवा लिया था ये सोच के कि यहाँ पर जो गिरे से रस्ते से आएगा वो फ़ायदा देगा, वो जेब से पेमेंट करनी पड़ेगी इनको और महंगा पड़ेगा दुबई के मुकाबले में, यहाँ पर जो इनका इदारा है जो डिस्ट्रीब्यूटर इदारा है एप्पल का वो उम्मीद ये की जा रही है वो मुकाबलतन दुबई के यहाँ सस्ता दे सकेंगे। अगर ड्यूटी बाहर से मंगवा के आपने ली तो इससे बेहतर है वारंटी में लीजिए और यहाँ का जो पीटी अप्रूव है वो लीजिए और वारंटी भी साथ पाइए, तो और रेट में भी कमी अगर है तो इधर ही से हासिल करें। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो एक बनाई थी रियल मी की, वो एयर लिंक की दौरे की डीलर से गेट टुगेदर की नहीं थी, वो एयर लिंक इंतज़ामिया नफीस हैदर और उमर यूसुफ और जो रियल मी के सरबराह हैं मिस्टर रेड और उनकी टीम के दरमियान मुज़ाकरात की थी, जिसमें उन्होंने दोनों क्योंकि एयर लिंक डिस्ट्रीब्यूटर है नॉर्थ का, इसी तरह सेंट्रल के डिस्ट्रीब्यूटर MNP है और साउथ का डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो यूनाइटेड मोबाइल है। तो एयर लिंक ने अपनी मीटिंग करी और दोनों के दरमियान जो बातचीत हुई तो इत्तला मेरे पास जो आई थी वो गेट टुगेदर की थी, लेकिन बेसिकली ये दो कंपनियों के दरमियान मुज़ाकरात थे, उनके अपने आगे के मुस्तकबिल के हवाले से फैसले किए गए और बहुत अच्छा इनका जो है वो एक दूसरे के साथ रابطہ मजबूत हुआ और इससे मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत सारे फैसले किए गए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिया मान अल्लाह।